नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप से संबंधित फ्यूचर रिटेल की और फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की। जी हाँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एफडी का क्या होगा, कैसे क्लेम करें। तो गाइज, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था कि ये जो मिस्टर जितेंद्र कोठारी सर हैं, इनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी और इन्होंने बोला था कि 2-3 दिन में हम अपडेट करेंगे और सारा कुछ हम बता देंगे। तो गाइज, फाइनली जो क्लेम करने का प्रोसेस है, क्लेम फाइलिंग प्रोसेस है, वो इन्होंने अपडेट कर दिया। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जितेंद्र सर को, इन्होंने जैसा बताया था सारी चीज़ें वैसे ही रही हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो लिंक है, जो क्लेम फाइल करने का लिंक है, अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल रखा है। मैं बताता हूँ, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से है, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने लिंक डाला हुआ है, इसमें सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। इसमें कोई अननेसेसरी चीज़ मैं गाइड नहीं डालता हूँ, ना टिप वगैरह देता हूँ, ना मैं टिप पे विश्वास रखता हूँ, सिर्फ काम की न्यूज़ डालता हूँ। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो क्लेम करने वाला फॉर्म है वहाँ पर आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, ओटीपी आएगा मेल पे और उसके बाद आप भर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए कि कैसे भरना है, ट्यूटोरियल चाहिए पूरा, तो मैं अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं कोशिश करूँगा उसके लिए भी आपको मैं डिटेल्ड वीडियो ला के बना के दे दूँगा। और दूसरी चीज़, आपने थंबनेल पे देखा है कितना कुछ हुआ है फ्यूचर डिटेल में, जो आपको पता है कि जो थंबनेल पे मेरे वीडियोज़ में होता है वो आपको अंदर मिलता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हुआ है फ्यूचर डिटेल में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अपडेट है आज 15 मार्च का और 16:10, यानी कि 4:10 का अपडेट है। और यहाँ पर आप क्लियर कट देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स डिमांड ₹200 करोड़ ड्यूज फ्रॉम किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप। यहाँ वीडियो को धैर्य के साथ गैस पूरा जरूर देखिएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, कैसे लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और बेचारे जो जिनका पैसा फंसा हुआ है, कैसे उन्होंने अपने घर के गहनों तक को बेचा है, कैसे सामान बेचा है, घर तक को बेचा है सर्वाइव करने के लिए, और क्या क्या कुछ किया है इन्होंने। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं सही बता रहा हूँ। और लास्ट में हम बताएंगे कि आपको क्या करना है इस शेयर में फ्यूचर डिटेल के। हालांकि मैं शुरुआत से पहले वीडियो से ही बता रहा हूँ कि आपको फिलहाल नए लोगों को तो इससे बच के रहना चाहिए और जिन्होंने ऊपर ले रखा है एवरेज करने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर भैया 200 करोड़ रुपए जो है वो किशोर बियानी साहब के फ्यूचर ग्रुप से मिलने की डिमांड कर रहे हैं। कौन कर रहा है इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द ऑल इंडिया गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड वेंडर्स एसोसिएशन AIGMVA हैज डिमांडेड द फ्यूचर ग्रुप ओनर किशोर बियानी शुड पे अप देयर ड्यूज ऑफ ओवर 200 करोड़ पेंडिंग सिंस 2019 हेयर ऑन वेंसडे, यानी कि आज बुधवार है और 2019 से पेंडिंग पड़ा हुआ है इनका 200 करोड़ रुपए जिसकी डिमांड AIGMVA कर रहा है। अब इसमें देखिए, कंप्राइजिंग अराउंड 350 मेंबर्स हैं इसमें, कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला। हैज वॉर्न बियानी, यहाँ पर बियानी साहब को इन्होंने वॉर्न किया है लीगल एक्शन के लिए इफ़ ही फेल्स टू क्लियर द ड्यूज। बिल्कुल, यहाँ पर इतने सारे स्टेट्स हैं, लगभग 10 स्टेट्स हैं और यहाँ पर आगे उन्होंने बोला है केसेस करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर तो वॉर्न किया अभी कि भैया अगर ड्यूज नहीं दिया तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, इन स्टेटमेंट द AIGMVA एडवाइजर एंड ट्रेड यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी, यानी कि TUJAC कन्वीनर कौन है भैया, विश्वास उतागी साहब, क्या कह रहे हैं, डेट द प्रोसीजर्स एंड सप्लायर्स हैड सप्लाइड द गारमेंट एज ऑर्डर्ड बाई बियानी ग्रुप। बिल्कुल, यहाँ पर जितना भी सब कुछ हुआ है, बियानी ग्रुप ने जो ऑर्डर दिया था वहाँ पर सप्लाई किया गया ऑफ द कंपनीज बिटवीन 2019 से 22। तो 2019 से 22 के बीच में जो भी ऑर्डर्स वगैरह दिए गए थे बियानी ग्रुप से, यानी कि फ्यूचर ग्रुप से, तो वहाँ पर उन्होंने सब कुछ यहाँ पर सप्लाई किया है। ईच मैन्युफैक्चरर वेंडर हैज ड्यूज बिटवीन ₹70 करोड़ टू ओवर ₹1 करोड़। बिल्कुल, यानी 1 करोड़ से लेकर 70 करोड़ के बीच में हर वेंडर का भैया बकाया है इनके हिसाब से। एंड द टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वुड बी अमाउंट अराउंड 500 करोड़। बिल्कुल, यहाँ पर 500 करोड़ रुपए अगर इंटरेस्ट वगैरह भी सब मिला दे 2019 से सब कुछ, तो वो जो 200 करोड़ था वो कुल मिला के 500 करोड़ बन गया। तो आप देखिए, मतलब क्या क्या चल रहा है और क्या कुछ इन्होंने किया है, अब क्या इस पर एक्शन होगा, क्या होगा, ये तो राम जाने फिलहाल। लेकिन आप भी अपने व्यूज बताइएगा गाइस कमेंट सेक्शन में। वी वांट द यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो टू इंटरवीन एंड गेट द ह्यूज अमाउंट क्लियर इमीडिएटली, उतागी डिमांडेड। बिल्कुल, इन्होंने क्या डिमांड किया भैया, कि भैया यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार एंड ऑल द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल जितनी भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है इनको सबको एक साथ आना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए एंड ये जो इतना बड़ा अमाउंट है इसको इमीडिएटली क्लियर कराना चाहिए। अ गारमेंट प्रोड्यूसर फ्रॉम थाने, बिल्कुल थाने से जो एक गारमेंट प्रोड्यूसर हैं जो बनाते हैं कपड़े वपड़े प्रोड्यूस करते हैं, सेड डेट अ मेजोरिटी ऑफ देम हैड अवेल्ड बैंक लोन। बिल्कुल, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने भैया, भाई जब
कहीं से ऑर्डर मिलता है तो एक साथ पूरी पेमेंट तो होती नहीं है, थोड़ा सा एडवांस पेमेंट होती है, उसके बाद जब ऑर्डर बनके पूरा चला जाता है तब उसके बाद पेमेंट होती है। तो भैया इन्होंने क्या किया, बैंकों से लोन ले लिया इनके ऑर्डर को पूरा करने के लिए, फ्यूचर गुड्स ऑर्डर, एंड देन बट सिंस बियानी डिड नॉट पे अप देयर बिल्स, बिल्कुल यहाँ पर बियानी साहब ने उनके बिल को पे नहीं किया, हाउ द बैंक्स आर हाउंडिंग द मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर फॉर डिफॉल्ट, बिल्कुल यहाँ डिफॉल्ट होना तो लाजमी ही था ना। तो भैया बैंक्स और जितने भी कुछ हैं वो कितना परेशान कर रहे हैं इन लोगों को जिन्होंने लोन लिया था, एंड रिफ्यूजिंग टू गिव मोर लोन था, और बिल्कुल यहाँ पर जब एक लोन अदा नहीं कर पाएंगे तो दूसरा लोन बैंक देगी कैसे, और फिलहाल बड़े बड़े लोगों को तो लोन मिलते ही हैं, छोटे मोटे लोग परेशान होते हैं उनको नहीं मिलते हैं। ड्यू टू दिस ओवर 1 lakh आर डायरेक्टली हिट, बिल्कुल यहाँ पर 1 lakh लोग डायरेक्टली हिट हो रहे हैं इसकी वजह से, अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स, बिल्कुल फैमिली के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं। मोर देन 5 lakh पीपल आर ऑन द वर्ज ऑफ जॉबलेसनेस, बिल्कुल 5 lakh के करीब लोग जो है वो बेरोजगार होने के छोर पे बैठे हुए हैं, एंड स्टारवेशन ड्यू टू फ्यूचर ग्रुप आर एक्सप्लेन उतागी, बिल्कुल यहाँ पर भुखमरी और जॉबलेसनेस यानी कि बेरोजगारी के छोर पे बैठे हुए हैं फ्यूचर ग्रुप की जो एक कारतूते हैं इसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भैया रिलायंस पिछले साल रिलायंस ने जो ले लिया था सारा कुछ है ना, ये तो कह रहे हैं बेच दिया था, फिलहाल तो इन्होंने ले ही लिया था, टेक ओवर किया था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पुअर वेंडर्स हैं कंप्राइजिंग द बैकबोन ऑफ एमएसएमई सेक्टर, बिल्कुल जो एमएसएमई सेक्टर की बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, हैव बीन लेफ्ट इन लर्च, बिल्कुल यहाँ पर दुविधा में आ गए कि अब क्या करें हम लोग है ना। और गुजरात के जो एक वेंडर हैं वो क्या कह रहे हैं, देखिए जो इनका कह रहे हैं कि भैया जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत कम होता है और उनके पास कोई कैश का सरप्लस नहीं होता है, दे सर्वाइव ऑन अ कैश क्रेडिट फैसिलिटी, बिल्कुल कैश क्रेडिट मतलब जब कहीं से कैश क्रेडिट होगा तभी तो ये आगे ऑर्डर बना पाएंगे और आगे दे पाएंगे, वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, विद रेगुलर पेमेंट्स ऑफ देयर सप्लाईज एम्प्लॉयज एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट EMIs, बिल्कुल जब ये सब एक फ्लो में चलता रहेगा तभी तो ये काम कर पाएंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ओइंग टू फ्यूचर ग्रुप आवर 100% वर्किंग कैपिटल इज ब्लॉक, बिल्कुल तो जो भैया फ्यूचर ग्रुप ने जो एक काम किया है उसकी वजह से इनकी 100% कैपिटल ब्लॉक हो रखी है, टोटली पैरालाइजिंग आवर ऑपरेशन, बिल्कुल तो इनका जो ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो रखा है, मतलब एक तरह से उस पर लकवा मार गया है, बंद पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। एंड नाउ बैंक आर हाउंडिंग अस विद नोटिस ऑफ लोन डिफॉल्ट, बिल्कुल तो बैंक भैया जो है वो नोटिस दे रहे हैं इनको, सम मेंबर्स हैव सोल्ड ऑफ फैमिली गोल्ड, बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्या कितनी मतलब दुख की बात है, बहुत बुरा लगता है, सेविंग और इवन देयर शॉप्स और होम्स टू क्लियर देयर ड्यूज, बिल्कुल यहाँ पर कितना घर वालों ने अपने जेवर तक बेच दिए हैं है ना, अपनी दुकानें बेच दी हैं, घर बेच दिया है ड्यूज वगैरह क्लियर करने के लिए जो लोन वगैरह लिए हैं, एंड आर नाउ प्रैक्टिकली होमलेस, बिल्कुल मतलब बेचारे अब वो बेघर हो चुके हैं। आगे देखिए क्या कहना है भाई, AIGMVA एंड TUJEC ऑल्सो प्लान टू फाइल केस अगेंस्ट द फ्यूचर ग्रुप इन डिफरेंट स्टेट, बिल्कुल यहाँ पर भिन्न भिन्न जितने भी स्टेट्स हैं आपने पीछे देखे हैं ये लोग हर स्टेट में एक केस फाइल करने का प्लान कर रहे हैं। राइट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर MP को भी लिखा जाएगा एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो यानी कि MLAs वगैरह उनको भी लिखा जाएगा, टू हाईलाइट देयर प्लाइट एंड अर्ज गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन टू कंपेल बियानी पे अप द एंटायर ड्यूज एंड एंड द मैटर, यहाँ पर इतने सारे लोगों को ये लोग लिखेंगे और बोल रहे हैं कि भैया उनसे गुहार लगाएंगे जो MP हैं MLAs हैं कि इंटरनेट और स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं कि भैया वो मध्यस्थता करें, यहाँ पर बियानी को बोलें कि भैया वो एंटायर ड्यूज वगैरह हैं जो पे करें और जो जितना भी मैटर है इसको यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें आपने देखी, जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी और कितना कुछ यहाँ पर चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं आपके सामने मैंने रख दी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए इनके साथ, वॉट एवर क्या रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, क्या ये जो कह रहे हैं ये पॉसिबल है या नहीं, आप भी अपने व्यूज मुझे बताइएगा। दूसरा क्या है, जो FD वाला मामला है गाइस मैंने सब कुछ आप लोगों का जितना भी हो सकता था मैंने कर दिया है, कोई डाउट हो अगर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो मैं जो इसका पूरा जो एक ब्रीफ कर दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो एक ट्यूटोरियल वीडियो में छोटा सा बना दूंगा जिससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ भाई एक बार में ऐसे होना है। तो और कुछ डाउट होगा तो मेरे पास नंबर है इनका जो इनके IRP हैं जितेंद्र सर, तो अगर कुछ ऐसा लगेगा तो मैं एक बार उनसे बात भी कर लूँगा है ना गाइस। और दूसरी चीज़ गाइस शेयर से रिलेटेड मैं बता दूँ, चाहे अपर सर्किट लगे फ्यूचर रिटेल में, चाहे लोअर सर्किट लगे या फ्यूचर ग्रुप का कोई भी शेयर हो, आपको बिल्कुल इससे दूरी बना के रखनी है। गलती से भी भैया बाई बटन पर क्लिक मत करिएगा इसके शेयर में किसी भी ग्रुप में, ठीक है, फंस जाएंगे आप बहुत बुरा और फिर वो गाइस आपकी जिम्मेदारी होगी, उसमें मैं फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हैं आप बात को, कैसे सिंटेक्स इंडस्ट्री दौर जाने जो JP है श्री है देखिए कैसे सब शेयर की सस्पेंडिंग ट्रेडिंग सस्पेंड हो रखी है और सबके पैसे फंसे हुए हैं है ना। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझते होंगे। और गाइस हाँ, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एस्प्रेसो बाय शेयर खान या लाइव ब्लू किसी में भी खुलवा लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगैर आप लोग चले जाते हैं गाइस सब्सक्राइब तो कर दिया करिए। चलिए धन्यवाद।